सहेली की शादी में गई, मोबाइल गुम हो गया। सारी शादी में इतना हल्ला मचा दिया कि दूल्हा को छोड़ दिए, दुल्हन को छोड़ दिए, उस जिसका मोबाइल गुम हो गया, लोग उसके पीछे उसे तसल्ली दे रहे हैं, चीखना चिल्लाना रोना, सब तलाश करने में लगे। मोबाइल मिलने के बाद जान में जान आई। अब जब मोबाइल ओपन करने की बात कहते हैं तो वो लड़की किसी को अपना पासवर्ड बताने तैयार नहीं है। आप बताइए, मोबाइल गुम होने पर इतना बेचैन कि जान निकल जाए, क्या है उसके मोबाइल में, क्यों पासवर्ड है, क्यों वो अपने बाप को भी अपना मोबाइल चेक करने नहीं देती है, अपने माँ और बड़े भाई को भी मोबाइल चेक करने नहीं देती है। गैर शादीशुदा लड़की पासवर्ड डालकर अपने घर वालों से ही अपने राज को छुपाती हो, तो वो क्या अच्छी औरत है? वो तुम्हारी हलाल बेटी हो सकती है? इससे बड़ा झिंझोड़ने वाला सवाल और कोई नहीं हो सकता है। अगर गीरत का कुछ रमक अभी भी जिंदा हो हम लोगों में, कितने लोगों का हाल, खाविन घर बेपर्दगी की आप उमूमियत, चाय के नाम पर, दावत के नाम पर अपने साथ दोस्त को भी घर पे लाया और बीवी चाय बना के ला रही है, बीवी खाना रख रही है, नज़र गंदी पड़ गई। उसके बाद दोस्त ने अपने ही दोस्त से बीवी का नंबर लेकर उसके मोबाइल के ज़रिए से चैटिंग करना शुरू किया, नाजायज़ ताल्लुकात शुरू किए। वक्त तय हुआ, जगह तय हुई, शोहर घर से बाहर जाने के बाद अब बीवी शोहर के दोस्त के साथ बाहर जाती है। जब पता चला कि मेरी बीवी इन हरकतों में है, उधर से शोहर ने बीवी का गला काट दिया। दो बच्चों की माँ है, घर बर्बाद हो गया। किस वजह से? मोबाइल के चैटिंग की वजह से। फैमिली शादी के मौके पर दावतें होती हैं, सहेलियां आई और उधर दूल्हा भी सबके सामने बेशरम बेहया बन के आता है और सबकी सलामी होती है। एक लड़की को उस अपनी सहेली के शोहर पर दिल आ गया, सहेली से नंबर लिया, उधर सहेली के शोहर से चैटिंग शुरू हुई। ये भी शादीशुदा है सहेली और ये भी शादीशुदा है। शादीशुदा औरतें दूसरे के शोहर से चैटिंग करते हुए उधर उसने ताल्लुकात कायम किए। बीवी को पता चला कि मेरी सहेली खुद मेरा घर बर्बाद कर दी, शोहर ने बीवी को तलाक देकर सहेली के साथ गुलछर्रे उड़ाए। किस वजह से ये चल रहा है रियल लाइफ में? हम में से किसी के घरों में ऐसे वाकयात होंगे। चार बच्चों की माँ, 2 महीने का दूध पीता बच्चा, चैटिंग पर एक नौजवान के साथ दूध पीते बच्चे को छोड़कर उस नौजवान के साथ भाग जाती है, उस नौजवान के साथ भाग जाती है। और कितने वाकयात सुनाएं। अगर अकल है, इंसानियत जिंदा है, अपनी औलाद को औलाद की तरह पालना है, एक इंसान मिसाली इंसान बन के जीना है, एक मुसलमान बन के मरना है, तो फिर वादा कर लो अपने आप से, कसम खा लो अपने अल्लाह के लिए कि मोबाइल का गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं होगा। सुबह उठने के बाद 1 घंटे तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद करके रख दिया जाएगा, घर में दाखिल होते ही मोबाइल की एक जगह रख दी जाएगी, अपने साथ सरहाने तकिए और अपनी जगह पर दस्तरखान पर मोबाइल नहीं होगा। घर में फैमिली को टाइम दिया जाएगा, दुनिया को टाइम नहीं दिया जाएगा, जरूरत के बकदर ही इस्तेमाल किया जाएगा। मौल साहब से, उलमा से, अहलुल्लाह से ताल्लुक रखकर वादा किया जाएगा कि मैं अपने मोबाइल की लत से तौबा करता हूं, तभी तुम सुकून से जी सकते हो। बताने वाले ने रास्ता बता दिया, अगर नहीं चलोगे तो अपनी आंखों से देख लोगे कि तुम्हारी औलाद मोबाइल के नशे की वजह से। APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे, हम अपना मुस्तकबिल बदल नहीं सकते हैं तो कम से कम अपनी आदतें तो बदल सकते हैं। और याद रखो, जो कौम अपनी आदतें बदल लेती है, अल्लाह उस कौम का मुस्तकबिल भी बदल लेते हैं, क्योंकि आदतें ही कौम का मुस्तकबिल बदलती हैं। अपने आप को बदलो, तुम्हारा फ्यूचर और मुस्तकबिल भी बदलेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।